गाइस ये हॉन्टेड हाउस है और भीड़ देखो हॉन्टेड हाउस में, मतलब लोगों ने डरने के लिए पैसे देने के लिए एकदम एंजॉय कर रहे हैं। ये पूरा देखो है जो आप एंजॉय कर सकते हो। ये बच्चों का मोटरसाइकिल वाला झूला है, ऐसा लग रहा है कि असली की हार्ले डेविडसन है, छोटे बच्चों की हार्ले डेविडसन। ये है छोटी टॉय ट्रेन, मतलब जो लोग ऊटी या शिमला नहीं जा पाते हैं टॉय ट्रेन के लिए, वो लोग यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं मस्त। और सेम है, बस बिल्कुल सेम है। एक पर्ल और बैंगल शॉप है यहाँ पे, ओपन करके रखी है उन्होंने। इनको पता है कि यहाँ पे बहुत लोग आएंगे, बहुत पब्लिक आएगी और चांस है कि वो परचेस भी कर लें। तो अगर आप आते हो तो यहाँ पे आप आके अच्छा खासा इंजॉय कर सकते हैं। अंदर भी एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स बना है, अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स है। हाँ, अभी हम जाएंगे और छोटे छोटे गेम्स रखे हैं उन्होंने वहाँ पे, जैसे कि ये छोटा सा गेम है एक, इसमें रिंग डालो और जिसमें भी आपका रिंग आएगा वो आपका हो जाता है। ये अच्छा, हम लोग कुछ और ट्राई करेंगे। अभी हम लोग इस एरिया में आए हैं जहाँ पे पैडल बोटिंग होती है। ऑब्वियसली अगर आप ऐसे कुछ बड़े डेस्टिनेशन नहीं जा पा रहे हो तो आप यहाँ पे आके पैडल बोटिंग कर सकते हो। और ये लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे यहाँ पे तो नहीं भैया, नहीं लास्ट टाइम जब हम आए थे तो पानी जो है वो क्लीन नहीं था। अब पानी उन्होंने काफ़ी क्लीन कर दिया है, पूरे पानी के अंदर पूरे काई जमी होती थी, अभी उन्होंने क्लीन कर दिया। देखो लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, अच्छा बना दिया। इवन अंदर जो ये देख रहे हो ना प्रीमिसेस, इसके अंदर भी हम लोग गए थे तो लास्ट टाइम तो कुछ नहीं था। और अभी हमें लग रहा है कि शायद यहाँ पे झूले वूले भी चल रहे हैं, तो हम चलो चल के देखते हैं अंदर कैसा लग रहा है। ये भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है ये भी। हम जा रहे हैं अंदर, ये देखो शार्क बनी हुई है अंदर, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखी है। क्योंकि इससे पहले जब भी देखते थे तो ये साफ नहीं था, ये फर्स्ट टाइम मुझे विजिबल हुई है यहाँ पे शार्क, पानी के अंदर शार्क बनी हुई है। इधर गाइस अभी हम लोगों ने आपको बताया था ना कि यहाँ जाइंट व्हील है, तो अभी हमने देखा ये अभी मतलब चालू हुआ और पूरा ये मतलब पूरा भरा हुआ है और लोगों के चिल्लाने की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। हमेशा जब भी हम आए हैं तो ये बंद ही रहा है हर बार, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं इसको एक्टिव कंडीशन में। और बाकी लोग यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे हैं, लाइन लगी हुई है नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट चांस के लिए। ये देखो लाइन लगी हुई है और यहाँ का एम्बियंस देखो कितना अच्छा, गार्डन इन्होंने प्रॉपरली रखा हुआ है इन्होंने मेंटेन करके। जो अभी गार्डन मतलब विजिट करने आए थे तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब देख लिया, बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। आप देखो, आपको दिखाओ, देखो व्यूज बहुत अच्छे अच्छे व्यूज हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हैं। तो अगर आपकी फैमिली है तो फैमिली को मैं मतलब फुल रिकमेंड करूँगा कि आपकी फैमिली है तो आप आओ यहाँ पे और मस्त से इन्जॉय करो। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, फूड स्टॉल्स हैं, तो अगर आप फैमिली के साथ आते हो या फ्रेंड्स के साथ आते हो तो बहुत इन्जॉय करोगे, बहुत आपको मज़ा आने वाला है। और टिकट्स भी ज़्यादा महंगे नहीं है, हाँ टिकट भी बिल्कुल चीप है। बोटिंग का भी 80 रुपीज़ था और ये जाइंट व्हील का भी 80 रुपीज़ पर हेड है। और बेनिफिट है, यहाँ पे अगर आते हो आप तो एंटिया गार्डन, लुम्बिनी पार्क, फिर उसके पास हुसैन सागर लेक, ये सब आपका आसपास है, तो आप एक ही दिन में सब कुछ कवर कर सकते हो। और फोटो आपके इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए बहुत सारे फोटोज क्लिक कर सकते हो सोशल मीडिया के लिए। तो बस यही है, अब हम लोग क्या है, हम लोगों ने ऑलमोस्ट घूम लिया है, अब हम जाएंगे और थोड़ा कुछ खाना पीना खा के फिर निकलेंगे यहाँ से। और फिर शाम तक, आई थिंक रात तक ये वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ये देखिए लोग एकदम एंजॉय ले रहे हैं अपने जाइंट व्हील राइड का, फुल मज़े में।
तो भाई बहुत घूमने के बाद हमें लगा कि हमें कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। तो हम लोगों ने एक पेटीज, आलू पेटीज और एक समोसा ऑर्डर किया था। तो चलते हैं आगे और खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और आप देखिए हम कहाँ जा रहे हैं बैठने के लिए। ये जो विंटेज कार मैंने आपको दिखाई थी पहले, उसी के अंदर टेबल बनी हुई है। अभी हम वहीं बैठ के इसे एंजॉय करेंगे। क्या मस्त लग रहा है यार, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के, झूले झूले देखते हुए, लोगों को देखते हुए, मज़ा आ गया भाई। जैसे ही हमने खाना शुरू किया तो ये राइड यहाँ पे ओपन हो गई, चालू हो गई। और आप देखो कितनी भयंकर राइड है यार ये। मतलब यहाँ से बैठ लगता है कि ये छोटा सा झूला है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप देखो कितने रोटेशंस ले रहा है ये, दो एक्सेस के रोटेशंस ले रहा है। और मतलब मैं तो भाई कभी ना जाऊँ यहाँ पे। मैं और प्रिया वही सोच रहे थे कि ऐसी राइड कौन ही करेगा भाई, अपने आप को टेंशन में डाल के और पैसे दे के और टेंशन में डालो। पर कुछ लोगों के थ्रिल होता है भाई ये। और ये देखिए काउंटर है, यहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बेबी बोट्स, बच्चों के लिए बहुत ऑप्शंस हैं यहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो एक छोटा सा राइड है, ऊपर से कोलंबस है उधर एंड में, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ये बैठने के, बैठ के फिर ये जो है वो वॉवल करता है। और ये बच्चों की खाली स्पीड बोट टाइप की है, और छोटा सा पूल क्रिएट किया है इन लोगों ने, और ये हैंड पैडल से चलती है। मैं आपको उस साइड जाके दिखाता हूँ अभी। और बहुत ही मतलब अच्छा है, बच्चों को लेके आगे अगर आप आते हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं आपको और भी दिखाता हूँ अभी, अगर हो सकेगा तो मैं उसके पास जाके दिखाता हूँ आपको एरिया। ये देखिए ये शूटिंग गेम है। उसके बाद यहाँ पे एक स्टॉल रह गया जिसमें मग पेंट हो रहे थे, मतलब आपकी फ़ोटो जो है वो मग पे आ जाएगी, और फिर वो डेकोरेटिव मग होगा जो आप रख सकते हो घर पे। और अब देखो मैं आपको लेके जाता हूँ, ये जो पानी में बच्चे खेल रहे थे ना, वो एरिया में लेके जाता हूँ आपको। बच्चे जो हैं सब कुछ भूल भूल के, सब भुला के यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे हैं पानी में। अब पानी की डेप्थ भी इतनी नहीं है कि बच्चों को किसी को प्रॉब्लम होगी, बहुत ही मिनिमल हाइट है, बहुत ही मिनिमल हाइट है, मतलब बच्चों के भी घुटने तक की का ही पानी होगा। ये सीट पे बैठते हैं बच्चे ये बोट में, और हाथ से वो पैडल घुमाते हैं। देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, बहुत ही अच्छा लगा यार ये मुझे। और एक ये प्ले अरीना है बच्चों के लिए, देखो बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, मस्त। बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप भी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो बना रहे हैं और वो वीडियो डालेंगे सोशल मीडिया पे, फिर उसमें लाइक मिलेंगे। तो ये दोनों के लिए ही बहुत मज़ेदार चीज़ है। और देखो जो फाउंटेन आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में, पार्ट वन में, उसका देखो आप नाइट में कैसा व्यू आता है। नाइट में, नाइट होते ही यहाँ पे लाइट जल गई है पूरी में, फाउंटेन में जितने भी फाउंटेन हैं सब में लाइट जल गई है। और ये लाइट जो है वो रोटेटिंग लाइट्स हैं, मतलब चेंज होती रहती है टाइम टाइम, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार ये। ऊपर से बीच में जो गोल्डन पेड़ है ना, आर्टिफिशियल पेड़ है गोल्डन वाला, वो तो और भी मतलब अच्छा लग रहा है, चमक रहा है इसमें। ये देखो ये छोटा सा एक मार्केट मैंने कवर किया था। ये मार्केट क्या है, जैसे आप एनटीआर गार्डन से बाहर निकलोगे तो उसके तुरंत बाद आपको ये बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल और लोग मिल जाएंगे। लोग मतलब गुब्बारे की शॉप हो गई, और बबल वाली शॉप हो गई, बॉल्स हैं और बैलून्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैलून्स हैं, बहुत सारे खिलौने हैं बच्चों के लिए, बहुत सारे अमेजिंग टॉयज़ हैं, ठीक है। और ये भैया जो है पैराशूट का एक गेम दिखा रहे थे, तो बहुत सारे तरीके की चीज़ें हैं। ये देखिए ये बच्चों के छोटे छोटे स्टीमर हो गया, चकला बेलन हो गया, चश्मे हो गए, ये सब चीज़ें हैं, ये शो पीस के तो आइटम गाइस हम हैं। लोगों ने पूरा विजिट कर लिया है एनटीआर गार्डन, और हाईली रिकमेंडेड है, आपको जिसको भी आना है वो आ सकता है। हाँ, अंधेरा हो गया है तो चलते हैं हम लोग। बहुत सुंदर था, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए, बहुत कुछ नया है जो हमने पहले नहीं देखा था। सारे झूले भी इस बार एक्टिव थे, सब लोग आ रखे थे। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगता तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। बाय।